जब आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं और आपके घर में पानी की पाइपलाइन भी है, मान लीजिए अगर कहीं पर पानी की पाइपलाइन फट जाए तो घर में पानी भर सकता है, राइट? पानी भर सकता है घर में, पानी की पाइपलाइन फट जाए तो। लेकिन क्या हर बार पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान हो जाता है? नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पानी फट जाए और पानी कि जो पाइपलाइन है वो कहीं इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के आसपास है और वहाँ छींटे लग जाए, वहाँ का डैमेज हो जाए, वो चीज़ उड़ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, और अब आपको पानी का काम भी करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी कराना पड़ेगा, है राइट? पर ये दोनों अलग है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का डैमेज अकेला भी हो सकता है, वो किसी और कारणवश भी हो सकता है, पानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पानी की वजह से ज़रूर हो सकता है। सेम थिंग आपके हार्ट में होता है। हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो है जो आपका पेस मेकर है, हार्ट के अंदर खुद का पेस मेकर होता है ऐसे नोड। और अगर आप हार्ट के अंदर का पेस मेकर काम नहीं कर रहा किसी कारणवश, चाहे उस पेस मेकर के एरिया में इन्फेक्शन हो जाए, चाहे हार्ट अटैक उस एरिया को डैमेज कर दे, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एरिया ओवर स्ट्रेच हो जाए या फिर काम ना करे, सो कोई भी प्रॉब्लम से अगर पेस मेकर काम नहीं कर रहा हार्ट का, तो आपको पेस मेकर इम्प्लांटेशन यानी पेस मेकर की जरूरत पड़ जाती है, ताकि आपकी धड़कन रुक ना जाए, धड़कन कम कम होके रुक ना जाए, धड़कन में बैलेंस रहे, तालमेल रहे। हार्ट के अंदर ऐसे तालमेल होता है, एक धड़कता है, दूसरा फील करता है, दूसरा धड़कता है, बाहर जाता है। तो अगर ये तालमेल बिगड़ गया, ऐसे ऐसे कुछ भी हो रहा है, तो पेसमेकर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये पेसमेकर में प्रॉब्लम मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट के अंदर इन्फेक्शन की वजह हो सकता है, आपके हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक में ज़रूरी नहीं है कि पेसमेकर में प्रॉब्लम आएगा, ये ज़रूरी। हार्ट का निचला हिस्सा, इन्फीरियर वॉल, हार्ट जो है, हार्ट का जो इन्फीरियर वॉल है वो वहाँ पेसमेकर होता है, तो अगर इन्फीरियर वॉल को जाने वाली खून की नस ब्लॉक होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट ब्लॉक भी होगा साथ में, और हार्ट ब्लॉक भी साथ में है तब आपको पहले डाला जाता है टेम्पररी पेसमेकर। टेम्पररी पेसमेकर से क्या होता है कि हार्ट अटैक को ट्रीट करते वक्त हमें समय मिलेगा कि आपका दिल की धड़कन रुक ना जाए, पेसमेकर होते रहे। टेम्पररी पेसमेकर आपके पैर से एक तार जाती है दिल के अंदर टड़क, और वो धड़काता है, बाहर से बड़ा सा पेसमेकर होता है, मशीन होती है। होता क्या है, हार्ट अटैक ठीक कर दिया, हार्ट अटैक मतलब रोक दिया, दवाई स्टेंट लगा दिया, खून जाना शुरू कर चला गया वापस से उस इन्फीरियर वॉल में, तो पॉसिबल होता है कि वो एरिया जो है वो वापस रिकवर कर जाए, और वो जो ब्लॉक हुआ था कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या जो भी, जिसके वजह से पेसमेकर काम नहीं कर रहा, वो रिकवर हो जाए, अब पेसमेकर काम करने लग गया, तो आपको पेसमेकर की ज़रूरत नहीं, परमानेंट पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि पेसमेकर काम नहीं कर रहा और आपको टेम्पररी पेसमेकर पे ही रहना पड़ रहा है, और फिर आपको परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ेगा, ये एक चांस है। सो समझे आप, सो हार्ट अटैक में पेसमेकर ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर हार्ट के अंदर का इंटरनल पेसमेकर इन्वॉल्व हो जाए तो, राइट?